एक बहुत ही कॉमन और मशहूर तीन आइडिया, ये बहुत ज्यादा वर्किंग है बिग सिटीज में, जहां पे लेबर क्लास ज्यादा है वहां पर आप इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द जो है इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वो है कि आप घर में खाना बनाएं। खाना क्या बनाना है, हर दिन 7 दिन, 7ों दिन के लिए डिफरेंट डिशेज डिसाइड कर लें। हर दिन 2 डिशेज बनाएं, आप उनको लेके मार्केट में निकलें, रोटियां पकाएं, खुद पका लें, या आप जो है वो सालन बना लें, बिरयानी बना लें, जो भी आप करना चाहते हैं। आप अपनी फैमिली को साथ अटैच कर सकते हैं इस कारोबार में। खाना बनाएं, उसकी मुनासिब सी पैकिंग करें, लेके मार्केट में निकल जाएं दोपहर टाइम। लोगों से पूछें जो आपको पता है, क्योंकि आप लेबर क्लास को टारगेट करेंगे, कम से कम मार्जिन रखें। कम से कम मार्जिन भी आप रखेंगे तो आपको आपका प्रॉफिट जो है 100% आएगा। 10 रुपए की लागत है, 20 रुपए की चीज बिकेगी। फर्ज करें आपकी आपको रोटी पकाने में 5 रुपए की लागत आएगी तो रोटी 10 रुपए की बिकेगी। आपका सालन जो है अगर 20 रुपए का बिक रहा है तो उसको बनाने में 10 रुपए की लागत आएगी। आप एक हैंडसम सा पैकेज, मजदूरों वाला पैकेज बनाए, 35, 40, 50 रुपए के अंदर जो है रोटी और सालन का पैकेज, साथ में सैलड और रायता वगैरह भी थोड़ा सा ऐड कर दें। अच्छा पैकेज 50 रुपए के अंदर एडजस्ट करके वो आप मार्केट में देना शुरू कर दें। मुझे 100% उम्मीद है अगर आप टेस्टी और क्वालिटी वाला खाना देंगे तो दुकानदार और मजदूर आपसे जरूर खरीदारी करेंगे। 1,000 को आप एक दिन में डबल करने में जरूर कामयाब होंगे अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। अब आते हैं कि आप बहुत कॉमन, आप भी सर्दियों में देखते हैं लोग जो है बुनी हुई दाल, फ्राई की हुई दाल, माश और दाल चना बहुत लाइक करते हैं। नॉर्मली हर जगह आपको पैकिंग में मिल जाती है। आपने भी क्या करना है, अच्छी क्वालिटी की दाल माश और दाल चना लेनी है, उसको अलग अलग पैक करें, पैकिंग 5 रुपए 10 रुपए वाली बनाएं अच्छे तरीके से। वो पैकिंग जो है आपको स्क्रीन के ऊपर भी कोशिश करते हैं कि आप वो देख लें। इस तरह आपने पैकिंग करनी है। पैकिंग करके आपने रात को पैकिंग करें, दिन में सप्लाई दे दें, और आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि दिनों में एक अच्छे कारोबारी बन के उभरेंगे। और आपने दूसरों की भी मदद करनी है, दूसरों को भी कारोबार का हिस्सा बनाना है। उसके बाद निमको, निमको हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खाई जाती है अभी सर्दी के मौसम में। गर्मी सर्दी में चलती है लेकिन सर्दियों में इसकी डिमांड ज्यादा होती है। आप किसी भी निमको बनाने वाले कारखाने वाले के पास जाएं, उसके साथ रेट तय करें, अच्छी निमको का टेस्ट वो सिलेक्ट करें और उसको लाएं और उसकी पैकिंग शुरू कर दें। जब आप उसकी पैकिंग करेंगे, 5 और 10 और 20 रुपए की पैकिंग कर लें, जो आप मुनासिब समझें, पैकिंग आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, इससे आपने स्टार्टअप लेना है। उसके बाद आप उसको बड़े पैमाने पर जब करने में कामयाब हो तो आप मशीन रख लें, मशीन से पैकिंग करें और मार्केट में सप्लाई दें। क्वालिटी और कीमत, ये 2 मेन फैक्टर हैं आपकी कामयाबी में। मेहनत तो आपने करनी करनी है। कारोबार करने वाला आदमी कभी थकता नहीं है। कारोबारी आदमी 24 आवर कारोबार करता है, वो 24 आवर बिजनेसमैन है। उसको जब ऑर्डर मिलेगा, जब उसको जरूरत होगी, वो काम करेगा। तो आपने भी इस चीज को मद्देनजर रखना है। अब आते हैं कि आप जो है जिस तरह निमको पैक किए, इसी तरह आपको स्वीट बॉल मिल जाएंगे। बड़ी मार्केट में जाएंगे, छोटी छोटी कैंडीज, खुली कैंडीज मिल जाएंगी, स्वीट बॉल मिल जाएंगे। वो आपने इसी तरह निमको की पैकिंग में, वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह की छोटे छोटे पैक बनाए 5-10 रुपए। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2-3 इकट्ठी आइटम्स कर लें, जैसे निमको है, स्वीट बॉल है, दाल माश दाल चना, इकट्ठा इसका कारोबार स्टार्ट कर लें। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आप किसी एक को सिलेक्ट करें, पहले उसे कामयाब करें, उसके साथ आइटम्स ऐड करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो स्वीट बॉल का कारोबार भी इसी तरह है। 1,000 में स्वीट बॉल खरीदें, सामान मटेरियल उसी के अंदर 1,000 में आपने पूरा कंप्लीट खरीद रहे हैं। खरीद के आपने उसकी पैकिंग करनी है, रात को बैठ के पैकिंग करें और उसके बाद जो है सुबह दिन में उसकी दुकानों पर सप्लाई देना शुरू कर दें। सप्लाई देने के लिए भाई स्टार्टअप के ऊपर आपको बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दें कि आपने बड़ा पैसा लगा के कारोबार शुरू करना है। आने वाले दिनों में हम आपको एक ऐसी वीडियो भी अपलोड करेंगे जिसमें आपको कारोबार करने के लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं है। ऐसे आइडियाज हम आपको जो है वो देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब
आते हैं हमारे जो आइडिया है, आइडिया नंबर 16 के ऊपर। ये गर्मियों के लिए ज्यादा अच्छा आइडिया है। आप क्या करें, शरबत बनाएं, लोगों को बेचना शुरू कर दें, जिसको शरबत रूह अफजा डाल लें, कुछ ऐसी चीजें डालें जिससे आपका शरबत जो है बेहतर तरीके से वो उसका टेस्ट अच्छा हो जाए। और आप क्या करें, वो मार्केट में निकले, मार्केट में हर दुकानदार से पूछते जाएं जिसको जरूरत हो। गर्मियों में हर कोई पीता है, रेट मुनासिब रखें, टेस्ट अच्छा रखें, मटीरियल अच्छा यूज करें। आपने दो नंबर ही नहीं करनी, आपने अगर शरबत लोगों को देना है, चीनी का बना के दें, अच्छा टेस्ट बनाएं उसमें और मार्केट में सप्लाई शुरू करें, लोग आपके आने का इंतजार करेंगे, इसकी गारंटी है। बेचें, 1000 का काम जो है शाम तक इंशाल्लाह आपका जो है वो 2000 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले दिन आप सोचें 2000 में कारोबार स्टार्ट करेंगे, कारोबार जो है 2 से 3, 3 से 4, इसी तरह 1 महीने के बाद आप नतीजा चेक करें। अपनी मेहनत और मुशक्कत के बाद जब आपका 1000 1 महीने के बाद 30000 में कन्वर्ट होगा, तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ पे सैलरी, बेसिक सैलरी पाकिस्तान में 16000 रुपए है मजदूर की, और 12 घंटे की मुशक्कत। आपने 3 से 4 घंटे काम करना है और आपने अपनी मर्जी से कारोबार करना है, अपनी मर्जी से आपका कारोबार बढ़ेगा और आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप खुद कारोबार। अब आते हैं एक बहुत ही कॉमन, इंटरेस्टिंग और हर किसी के करने वाला काम, जो भी फारग है, जो भी फारग बैठा हुआ है उसके लिए ये मैं बताने लगा हूं कि आपने क्या करना है। आपने जितनी भी रिटेल की दुकानें हैं वहां पर जाना, हमसे पूछना, भाई खाली थोड़े पड़े हुए हैं, खाली बैग, आटे वाला बैग, चीनी वाला बैग और भी मटेरियल जो भी वो बेचते हैं उनके खाली बैग उनके पास होते हैं। आपने उनसे 5 रुपए का 2 रुपए का 4 रुपए का खरीदना है और आपने लाके मार्केट में 10, 15, 20 रुपए का बेच देना है। अब इसका प्रॉफिट मार्जिन देखें कितना है। आपने 5 रुपए की चीज लेनी है, डबल पे या ट्रिपल पे बेच देनी है, और ये 100% एग्जैक्ट वैल्यूज आपको बता रहा हूं मैं। अब जब मार्केट में निकलेंगे तो आपको हमारे आइडियाज देखेंगे कि लोग इसके इनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, लोग जो है इनसे फायदा उठा रहे हैं। आपने लोगों की तरह नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने ये जहन में रखना है कि आज ये मैं कारोबार स्टार्ट कर रहा हूं तो मैंने 30 दिन के बाद इस कारोबार को इस लेवल पे लेके जाना है कि आगे 2 आदमी और काम कर रहे हूं आपके साथ। उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसके ऊपर काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त पहुंचे। और एक अहम तरीन चीज, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह